अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट बीनिया शारजू, वेलकम टू करियर कैंप। मैं इतनी खुश इसलिए हूँ कि हम अपनी जो मैं अपनी फ्रेंड से बात करी हूँ सना सईद से, ठीक है, और ये पार्ट टू है, तो आए हम कॉन्वर्सेशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सना, हम बात कर रहे थे अपने एक पर्सनलाइज्ड टच की और ह्यूमैनिटी की, बेसिकली कि हम रोबोट जो इंडस्ट्रियलाइज होती जा रही थी सोसाइटी। अच्छा, आई थिंक दिस इज चेंजिंग, हाँ है ना, अब छोटे छोटे दोबारा से छोटे छोटे ब्रांड्स आ रहे हैं, हर किसी का सिग्नेचर ब्रांड खुल रहा है, पीपल आर मोर इनटू ऑर्गेनिक स्टफ, और वो अच्छा, आई थिंक वो इस तरह से कि हर एवरीवन हैज देयर पर्सनल टच इनटू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, चाहे वो क्राफ्ट्स हो, कुछ भी हो, एंड आई लव दिस कि ये हो रहा है, थैंकफुली ये दोबारा हो रहा है। अब वो दोबारा वो गोटे वाली और नानियों के दादियों के दुपट्टे हम शौक से ले रहे हैं। बीच में ऐसा टाइम आया था हम कहते थे यू क्या कर रहे हैं आप मामा, आप हमें ये क्यों पहना रही हैं, और अब शुक्र है हम उसकी वैल्यू दोबारा जान गए हैं और अब हम शो ऑफ करते हैं, लाइक दिस इज द 15 ईयर ओल्ड दुपट्टा, इट हैज गोटा एंड किरण किनारी और वो जो भी है, तो ये शुक्र है ये वाला टाइम दोबारा आ रहा है। बट आई विल आस्क यू कि एज एन आर्टिस्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइंट्स डू यू डील विद, ठीक है, आपको मतलब किस तरह से डिमांड क्या की जाती है मार्केट पे जब आप जाते हो अपने काम के लिए, तो व्हाट डिफरेंस डू यू सी कि ठीक है आपको कॉलेज में इस तरह से फ्रीडम भी दिया गया, ठीक है सब कुछ, फिर जब आप जाते हो प्रोफेशनल लाइफ में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, एक वॉल है जो आपको एकदम हिट करती है और आपको पता चलता है नहीं आप एक डिफरेंट जगह पे आ गए हो ना, सो व्हाट वाज दैट फॉर यू? यार मेरा बड़ा ऑनेस्ट इस पे आंसर आएगा कि मेरी फील्ड जो है ना वो ऑलरेडी मुझे बड़ी फ्रीडम दे देती है। अच्छा, मतलब बीइंग अप आई टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अ पेंटर, सो जो पेंटर्स की एक झल्ली मलंग वाली पर्सनालिटीज लोग कहते हैं ना है, मैं कहती हूँ मेरी है। अच्छा, तो मुझे तंग ना करो, ठीक है, राइट, मतलब आप मुझे लॉजिक नहीं बताओ, आप मुझे टेक्निकलिटीज नहीं बतानी, नहीं देखे हम तो अल्लाह वाले हैं, हमें इन चीजों से क्या लेना देना, तो उस पे ना मेरे पास बड़ा एज होता है टू बी माई सेल्फ, एंड आई थिंक आई एम समवन हु इज ट्रू टू माई सेल्फ, मैं वैसी ही हूं, दैट इज वेरी गुड, हाँ मैं कॉलेज में क्लास में भी ऐसी होंगी, मैं तुम्हारे सामने भी ऐसी हूँ, मैं घर में भी तकरीबन ऐसी होंगी। मार्केट में शुरू में अगर दो तीन लोगों ने मुझे, गैलरीज ने कुछ ने कहा है कि जी आप खवातीन को ऐसे नहीं ऐसे बना दें, आप अपनी पेंटिंग्स का स्केल बढ़ा कर लें, अपनी पेंटिंग में रंग ज्यादा डाल दें, तो मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं कह सकती हूँ क्यों अल्लाह हाफिज, बिकॉज मेरा सारा प्रोडक्शन इज इन माई स्टूडियो, मैंने वहां से काम बनाना है, मेरी ऑडियंस ऐसी है ही नहीं जो मुझे पहले रीच करके कहती है कि हमें ये चाहिए, मेरी क्लाइंट्स नहीं है, मेरे एडमायरर्स होते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, पता है, फाइन आर्ट्स के क्लाइंट्स नहीं होते, फाइन आर्ट्स के उसके एडमायरर्स होते हैं, आपको सना सईद की पेंटिंग चाहिए तो आपको सना सईद की पेंटिंग, यू आर कलेक्टिंग इट, यू आर कलेक्टिंग इट बिकॉज इट्स her painting, हाँ, और because it's one of the only thing, मतलब ये उससे दोबारा ये चीज नहीं आएगी, मिलते हैं कमीशन भी मिलते हैं कभी कभी, आपको अपने आप को स्टेबल करने के लिए कमीशन काम करने पड़ते हैं, उसमें भी आई फाइट विद देम कि ये मेरी पसंद की कॉम्पोजिशन हो, ये मैं इसको सारा का सारा लीड करूँ, फॉर अ डिजाइनर इट इज वेरी डिफरेंट, पर डिजाइनर को वो कहेंगे कि भाई इसी रेंज में इसी कलर पैलेट में काम करो, यहाँ पे वो डिफरेंस आ गया ना जिसकी हमने बात की थी, दिस इज द डिफरेंस कि वो फ्रीडम थोड़ा कम हो जाता, बहुत हद तक कम हो जाता है, मतलब अगर मेरे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करने जाते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स में, तो वो मुझे आके कहते हैं कि मैम वो तो कह रहे हैं, वही वो कहते हैं मैम वो कह रहे हैं कि इसको प्रोडक्शन कॉस्ट को बिल्कुल जीरो पर लेकर आओ, इवन मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्यों, क्योंकि अगले सीजन में दोबारा नई रेंज आएगी, नई रेंज आएगी, ये कपड़ा 5 धुलाइयों के बाद खत्म हो जाएगा, क्लाइंट आके दोबारा और वही कपड़ा खरीदेगा, द डिफरेंस कि हमारी नानी दादी के जोड़े आज तक नहीं फटे है ना, और अब क्योंकि आपको हर सीजन में नई रेंज आती है, तो वो मटेरियल ऐसे हम कपड़ा देके कहते हैं ये 2 धुलाइयां पार नहीं कर सके, तो वो बेचारे ना कभी कभी दे वेरी फ्रस्ट्रेटेड, कभी कभी मुझे लगता है कि बड़े लोगों की
मौत जाती है इस चीज में पढ़ के. ऐसे है. और मेरे ख्याल से ना, जो अगर हम आर्ट जो है ना, वो किसी ना किसी तरीके से ना उसने दुनिया को इस तरह कायम रखा हुआ है कि इतना रोबोटिक नहीं होने देती ना आपको. क्योंकि अगर इतना हम रोबोटिक हो जाए, हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, इमोशंस खत्म हो जाएंगे. वही बात है. अच्छा, और सिंस द बिगिनिंग ऑफ द लाइक यूनिवर्स, आप इस दुनिया की बात ही करेंगे ना हम, लाइक आप स्टोन एज एरा से बात करो, हमने तो ये सारा पढ़ा हुआ है आर्ट हिस्ट्री. आर्ट तब से हिस्सा है. हाँ. एंड इट इज वन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. It's your, तो it's within your basic within nature, nature instinct. Exactly. कि आप अपने आप को express करो, लिखो, गाओ. Thankfully, parents जो हैं वो अब इस चीज को accept कर रहे हैं कि हाँ, हमारे बच्चे इस field में जा सकते हैं. They can opt this for a career, like a professional career. And thankful हम हैं इस चीज़ के लिए, obviously कि हमारी society में acceptance आ रही है और हम इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, aware करके लोगों को, आप जैसे लोगों के साथ बात करके कि जो माशाल्लाह सक्सेसफुली अब इस फील्ड में काम कर रहे हैं. मैं एक अगर आपसे पर्सनली, ठीक है, हमने करियर बात कर ली, एजुकेशनल एक्सपीरियंस की बात कर ली है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक कि जो ऐसे बच्चे हैं उनको अगर आपने प्रैक्टिकल टिप्स देनी हो कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उनको ऐसा कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर देम? कैसे बच्चे जो फाइन आर्ट्स में चले गए, फाइन आर्ट्स, क्राफ्ट और डिज़ाइन की फील्ड में आना है जिन्होंने, ठीक है, तो उनके लिए ऐसी कौन सी टिप्स प्रैक्टिकल हम दे सकते हैं कि व्हिच वुड बी हेल्पफुल फॉर देम? प्लीज नो दैट इट्स अ स्लो बर्निंग प्रोसेस. ओके. इट्स अ स्लो कुकिंग. और आप खाना नहीं पकेगा, आप मर जाओगे. कहने का मतलब पता है क्या? मतलब हार्ड ट्रूथ लेकिन डाइजेस्ट करने के लिए सुनो. हाँ, नहीं पता क्या, क्योंकि अगर आपने, चलो मान लो कि तुमने गाड़ी बंगले ले लिए, तुम्हारी तुम यहाँ तक पहुँच गई दुनिया के, फिर भी तुमने जाना है अपने स्टूडियो में और तुमने अपनी वो प्रैक्टिस दोबारा उसी स्क्रैच से करनी है ना. सो वही वाली बात है ना कि आर्ट हम्बल्स यू डाउन, राइट? मे बी फॉर डिजाइनर्स इट इज अ बिट डिफरेंट. मनी इज अ लॉट. दैट डिपेंड्स कि आप कितनी इंटेलिजेंटली किसी फील्ड में जा रहे हो. बट व्हेन आई लुक एट बिग डायरेक्टर्स, आई लुक एट अच्छे एक्टर्स, यू नो, गुड राइटर्स, वो होमलेस लगते हैं. वो क्यों होमलेस लगते हैं? बिकॉज द क्राफ्ट और द स्किल मैटर्स मोर देन द वर्ल्डली पोजेशंस. अच्छा, नहीं आप, मतलब मुझे समझ आ रही है द पॉइंट यू आर गेटिंग टू, लेकिन मैं उसको ना, मुझे इस तरह से कंफ्यूजिंग लग रहा है सुनने में, लेकिन लोग इसको बहुत नेगेटिव ना ले जाएं. अच्छा. और हाँ, मुझे लग रहा है कि लोग ना ले जाएं, लेकिन मुझे समझ आ रही है व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि आपको इतना वो इन टच विद योर सेल्फ और वो इस तरह रखता है कि आप हम्बल रहते हो और आपको पता है कि यार व्हाट मैटर्स मोस्ट और आप उस पर ध्यान देते हो. दिस इज, आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? लेकिन इट मतलब आपकी रोजी रोटी चलती है इससे, मतलब इट डजंट मीन कि आपको वो बहुत अच्छी, पैसा बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड करियर टू हैव, राइट? पैसे बहुत है, बल्कि पैसा ज्यादा फ्लेक्सिबल है. हाँ. अब मैं ये नहीं कह रही कि अब बहुत ही ज्यादा है, लेकिन नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अगर कॉर्पोरेट जॉब है, लेट्स से दैट यू आर गेटिंग पेड 1 लाख या 2 लाख पर मंथ, आपका एक प्रोजेक्ट ही 10 लाख का निकल आया, तो मैं बस ये कह रही हूँ कि उस प्रोजेक्ट को करने के लिए एज एन आर्टिस्ट आपके अंदर से बड़ी वो एक मैं वो क्लियर करना चाह रही थी, क्योंकि आई थॉट कि वो किसी इस, अच्छा यही से मैं आपसे एक बात करूंगी कि ये जो चीज़ होती है ना, आई कैन नॉट स्ट्रेस एनाफ ऑन दिस कि आप जिस चीज़ में खुश होते हो ना, जिस चीज़ में आप पैशनेट होते हो, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे, मैनी टाइम्स मोर, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर देते हो उस चीज़ के कंपैरिजन में जो आपसे कराई जा रही है ज़बरदस्ती, है ना. तो मतलब जो बच्चे इसमें आना चाह रहे हैं ना, वो बच्चे भी आए इसमें, चाहे लड़के आओ, लड़के आओ, चाहे लड़के आओ, चाहे बागी बन जाओ, चाहे कुछ हो जाए, भाग क्या, है ना, लेकिन आओ. अगर आपका दिल है ना इसमें, तो नो वन कैन स्टॉप यू. और यकीन मानो अभी, और ऐसे मैंने भी देखा है, मैं उन बच्चों में से हूँ कि जिनको कहा जाता था इसने तो पढ़ना ही नहीं है, इसने तो कुछ करना ही नहीं है. एंड आई वॉज वन ऑफ दोज कि जिसने ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहले कमाना भी शुरू कर दिया. एंड मतलब जिन्होंने मेरी ग्रोथ देखी बड़ी जल्दी, ठीक है. एंड आई डिड नॉट स्टॉप. लाइक वो जो होता है ना, आपको सोसाइटी रोक देती है या फिर आपको शादी रोक देती है काम करने से, या बच्चे रोक देते हैं, लेकिन मुझे किसी चीज ने नहीं रोका, क्योंकि ना वो चीज देखी हुई थी एक, कि लड़ाई करके पहले अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, फिर पढ़ के दिखाया, फिर अपना शौक पूरा करके दिखाया, और अभी तक वो चीज है अंदर और वो कंटिन्यू होती चली जा रही है, है ना. जब कोई, अच्छा कोई कह दे सही,
बेटा आप ये ग्लास का पानी नहीं पी सकती, आपके लिए बहुत ठंडा है, मैं तो पी के दिखाऊंगी चार पांच ग्लास लेकिन पी के दिखाएंगे. तो ये चीज हमें होती है इंस्टल आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि हमें प्रूव करना पड़ा था ना पहले अपने आप को, क्योंकि आर्ट एंड डिजाइन हमारे टाइम पे इतना ज्यादा फेमस नहीं था. It was like, उससे पिछले के लिए भी फेमस नहीं था, अभी भी उतना नहीं है जितना बाहर की दुनिया में है. देखो अब क्योंकि आई थिंक इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड तो काफी अवेयरनेस आ गई है. हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी का बिल्कुल स्टार्ट था. मेरी माँ को नहीं पता था आर्किटेक्ट क्या होता है, इंटीरियर डिजाइनर क्या होता है, टेक्सटाइल डिजाइनर, स्कल्प्टर क्या होता है. आई नो, मतलब मेरे बच्चे अगर कहेंगे तो मुझे पता होगा, एटलीस्ट आई वुड नो द बेसिक डेफिनेशन. ये वाला डिफरेंस में, ये वाली अवेयरनेस का डिफरेंस कह रही हूँ ना. और एटलीस्ट मैं, मुझे अपने सर्कल में लोग पता है. आई नो अ पॉटरी मेकर जो कि सही कमा रहा है, ठीक है. आई नो अ पेंटर हु अर्न्स वेल, आई नो अ स्कल्प्टर हु अर्न्स वेल, मेकअप आर्टिस्ट हु अर्न्स वेरी वेल, आई नो अ वीडियो एडिटर हु अर्न्स वेल. तो मुझे हर, अब एटलीस्ट डिजिटल एज में ना, आई थिंक ये वाली अवेयरनेस की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. तो इसका फायदा उठाना चाहिए यार. अगर NCA में या PIFT में या BNU में जगह कम है और बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, हाँ, इसका मतलब ठीक है, ठीक है ना, हमारी लेगेसी ठीक जा रही है ना. तो अगर किसी बच्चे को, अगर अभी भी किसी बच्चे को फेस करनी पड़ती है ना कोई डिफिकल्टी या मनाने के लिए, ट्रस्ट मी यू कैन गैदर इनफ पीपल फॉर योर सपोर्ट. मिल जाते हैं, अब मिल जाएंगे, अब यू हैव इनफ पीपल और आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे. और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला साथ देते हैं आपका और आपको अपनी सोसाइटी में उस तरह के लोग मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे. हु हैज बीन दैट वन पर्सन इन योर सर्कल कि जिसने आपको हमेशा सपोर्ट किया, करियर वाइज, एनी वेयर, your family, friends, whatever, because jisne aapko career mein kaha ki I am right beside you, do whatever you there's want. No one person. Achha? I'm being very honest. Achha? I think the NCA community is very strong. ke hum use na NCA tabbar kehte hain. To agar mujhe achhe tarah yaad hai ki mere paas paise nahi the second year ya third year mein fees dene ke paise nahi the, aur ye nahi ki maine ja ke kisi ko bataya, bas nahi the aur pata nahi koi baat hui, unhone kaha ki aapne abhi tak fees nahi di, maine kaha main kar leti hu arrange kisi tarah se. So next day sir name, वो उन्होंने कहा कि एक दो कमीशन कर दोगी विदाउट इवन आस्किंग मी एनीथिंग कि क्या हुआ, पैसे हैं, गरीब हो, अमीर हो, मतलब कोई ना वो गिल्ट बस ट्रिप के बगैर कुछ भी नहीं. ये काम है, ये मेरे पास कोई पूछ रहा था तो मैं कोई ढूंढ रहा हूँ कि ये कर दे तो कर दोगी. मैंने कहा कोई और टीचर आके मुझे दे रहा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ. कितनी दफा होता है कि मेरे पास काम आता है, मैं कहती हूँ पास टाइम नहीं है या एफर्ट उतनी नहीं मैं डाल सकती अभी, तो ये मेरे बच्चे कर देंगे आगे से जाके. तो एक पूरा कम्युनिटी आपको साथ साथ लेकर चलती है. I am so glad that you talked about it, क्योंकि हम नहीं बात करते ना. अच्छा, हमें ना बड़ी शर्मिंदगी होती है हम जब अपनी एफर्ट्स की बात करते हैं. औरतों को ज़्यादा होती है, होती है ना. इट इज़ ट्रू. और सिंस हमारे ज़माने में हमें शर्म आती थी कि नहीं हमारे अम्मा अब्बा हमें ये चीज़ नहीं लेके दे पा रहे, उनके पास पैसे नहीं है, हमें नहीं बताना अपने दोस्त को, ठीक है. लेकिन अब मैं अपने बच्चे को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती. अगर उसको ये मिल रहा है तो उसको ये नहीं मिल रहा है, तो मतलब वही बात है. एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये बात की है कि फीस का. मैं कितने लोगों को जानती हूँ जो PIFD से ही पढ़े हुए हैं. इवन बीइंग, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं फाइनेंशियल एड पे पढ़ी थी, ठीक है, बिकॉज आई हैड अ गुड GPA, ठीक है. एंड आई, मैं उस क्राइटेरिया पे फुल आ रही थी कि जिनको फाइनेंशियल एड, एंड आई आस्क फॉर इट, ठीक है. और मतलब अल्लाह ताला ना आपका माहौल वैसे बना देते हैं, ठीक है. और NCA एंड PIFD दे आर मतलब ऑपोजिट आप कह लो चीजें हैं ना, बिल्कुल. यार आई वुड लव टू मेंशन समथिंग यहाँ पे. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस के NCA में मेरे पास कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे या कितने मेरे क्लास फेलोज ऐसे थे जो रेगुलर फीस नहीं दे पाते थे. अच्छा. तो जब उनका थीसिस लगता है ना, कॉलेज उनसे वो खरीद लेता है या फिर वो बिकवाता है. कॉलेज इनवाइट करता है, NCA थीसिस में कॉलेज इनवाइट करता है पूरे पाकिस्तान से, आर्ट वर्ल्ड, आर्ट कलेक्टर्स को, गैलरी ऑनर्स को, कि आए हमारे बच्चों काम खरीदें. ये एफर्ट बहुत कम इंस्टीट्यूट्स डालते हैं कि नौकरियां आप तक चलकर आए. एग्जैक्टली. पूरी कम्युनिटी जिनको आप कोई इस्लामाबाद, कराची, कहाँ कहाँ से लोग कॉलेज इन्वाइट करके उस एक दो हफ्ते के लिए बुलाता है और बच्चे से कहते हैं कि आप चलो काम निकालो. यू नो वी हैव स्कॉलरशिप्स, थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है, बट एक पूरी टीचिंग सपोर्ट है जो उसको कहती है कि ये बच्चा काम करने वाला है. हम लड़ते हैं जाकर
फैकल्टी मीटिंग्स में कि ये काम करने वाला बच्चा है, इसको आप मार्जिन दें. ये कितनी अच्छी बात है. और मैं ये सिर्फ इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि हमने ये काफ़ी दफ़ा मेंशन किया है कि PIFD और NCA बहुत डिफरेंट है. एंड सिंस लाहौर कॉलेज तो हमारा म्यूचुअल प्लेटफॉर्म था, उसके बाद तो छोटा सा एक हमारा स्टार्ट था. ये NCA की ग्रेजुएट है एंड आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम PIFD. इवन PIFD में भी आपको ये सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है. तो अगर आप किसी भी एजुकेशनल उस पर इंस्टीट्यूट में जाते हो, चाहे वो महंगा है या सस्ता है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है, आपको इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है, आपको हर तरह की सपोर्ट मिल जाती है. तो ये उन बच्चों के लिए बेसिकली मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये बातें नॉर्मली नहीं की जाती हैं. ठीक है, बच्चों को नहीं पता कि एक्चुअली वो इस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उनको ये चीज़ मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी. हम इसलिए ये बात कर रहे हैं. तो ये है. अब NCA के थीसिस में भी आपको, आपने बताया, इंडस्ट्री से लोगों को इनवाइट किया जाता है. PIFD में भी सेम क्राइटेरिया, आपको जॉब्स के लिए इंडस्ट्री से लोगों को इनवाइट किया जाता है. एंड इफ़ यू आर गुड इनफ आपको उधर ही हायर कर लेते हैं. ठीक है, सो इट इज़ वेरी गुड अगर आप हार्ड वर्किंग हो ये सारा कुछ. ओके, वी आर डन टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस. ठीक है, मैं आपसे सना एक मतलब पर्सनल लेवल पे मैसेज लूँगी. एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए लेंगे हम. ठीक है, और मे बी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो अभी भी आ रहे हैं, और एक मैसेज पेरेंट्स के लिए जो आप देना चाहते हो. आई थिंक फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप आ गए हो आर्ट की फील्ड में, डिज़ाइन की फील्ड में, अगर आपने इस दरिया के अंदर पाँव रख दिए तो बस फिर अब इसको पार करने की उम्मीद में लगे रहो. बिकॉज यू नेवर नो कि आपको बीच में से क्या क्या खजाने मिल जाएंगे निकलने वाले. एंड समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. पंजाबी आती है पंजाबी में बोलो, पश्तो आती है पश्तो में बोलो, कुछ नहीं बोलना आता लिखना शुरू कर दो. बट झूठ नहीं बोलना कभी भी अपने आप से और अपने काम से. और नो योर सेल्फ, ट्राई टू नो योर सेल्फ फुली. एंड फॉर पेरेंट्स आई लाइक टू से कि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपका बिल्कुल जब जिंदगी शायद गुजरना शुरू हो जाती है, आपको ये नहीं देखना कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, आपको ये देखना है कि वो कितना अच्छा है, वो सोसाइटी में किस तरह का इंसान है, ना कि उसके पास कितने हजार सैकड़ों गाड़ियाँ हैं. एंड आई थिंक आर्ट, डिज़ाइन, क्राफ्ट, दीज आर नोबल परस्यूट्स. ये वो फील्ड है जो आपको अच्छे इंसान बनने पे मजबूर, आप नहीं भी बनना चाहें ना, घसीट के आपको अच्छा इंसान बनाएंगे. ये पूरी कोशिश करती हैं. सो लिसन टू योर चाइल्ड प्लीज़. सो थैंक यू सो मच सना, इट वॉज अ लवली लवली टॉक. मतलब बहुत मज़े का हमारा ये सेशन था. एंड आई होप कि हमने जो ना ये दिल की बातें की भड़ास निकाली है या फिर किसी को कुछ बताने की कोशिश किया, आई होप इट यू नो गोज टू समवेयर जो बाकी सुनना चाह रहे हैं और इसका फ़ायदा हो ना लोगों को. एंड आई वुड लव टू हैव वन मोर सेशन विद यू जहाँ पे हम स्पेसिफिकली आपके काम की बात करेंगे. मैं यहीं बैठती हूँ, तुम बस यहीं रह जाती. नहीं, हम कैनवस ले आते हैं और पेंट ले आते हैं. ठीक है, यहीं पे शुरू होते हैं. नहीं यार, फिनिश, यू नो आई विल ऑलवेज कम फॉर यू. आई नो यू आर, बट आई ऑल्सो नो कि टाइम निकालना इज सच एन ऑनर कि मेरे लिए सब जिनको मैं कहती हूँ वो सब टाइम निकालते हैं और आते हैं. एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दैट. यू वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम. थैंक यू सो मच सना. ठीक है, असल वाला ये, चाहे आप कैमरा में नजर आए, असल वाला. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस. आई होप के जो हम मतलब छोटी छोटी दिल की भी और आर्ट और क्राफ्ट की या जिस भी फील्ड की करियर की बात करें ना, इट हेल्प्स यू गाइज सम वे. ठीक है, आप चाहे पेरेंट हो चाहे आप स्टूडेंट हो, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हिस्सा बनाओ. ठीक है, और अगर आपको कोई सजेशन या किसी भी बंदे से किसी भी फील्ड से रिलेटेड कुछ चाहिए, यू कैन ऑलवेज आस्क अस और हम वो पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अनोइंग अलर्ट्स हमारी वीडियोज़ की भी आती रहें. ठीक है, और सो सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय.